इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्र नाम, स्थान, दृश्य, घटनाएं, कहानियां, संस्थाएं, कानून की कार्यप्रणाली सभी काल्पनिक है। इस कार्यक्रम के किसी किरदार की किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल एक संयोग है। चैनल किसी भी तरह की हिंसा का प्रोत्साहन नहीं करता और चैनल का मकसद किसी व्यक्ति, जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। चैनल इस कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाओं की तथ्यात्मक सटीकता का कोई दावा नहीं करता। मुंबई पुलिस जब अपनी हदें तोड़ के अंडरवर्ल्ड के पीछे पड़ी तो अंडरवर्ल्ड और खतरनाक हो गया और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की एंट्री शुरू हुई जिनका ना कोई पुलिस रिकॉर्ड, ना किसी गैंग से कोई लिंक। ऐसे लोग जो अपने काम को अंजाम दें और चुपचाप वापस चले, यानी सांप भी मर गए और लाठी भी ना पड़ी। सिकंदर बगदादी को जानते हो? जैसे तुम सिकंदर बगदादी को नहीं जानते, मैं भी लंगड़ा लियाकत को नहीं जानता। किलर छोटे छोटे गांव और कस्बों से लाए गए जो एक ऐसे माहौल में पले बड़े थे जहां जाति और धर्म के नाम पर लाशें बिक जाती थी। किसी को मारना इनके लिए किसी बच्चे के खेल के जैसा। और अंडरवर्ल्ड ने जब इनको पैसों का लालच दिया तो अपना अगला खेल खेलने ये भी माया नगरी की तरफ दौड़ पड़ी। मुंबई पुलिस की हिस्ट्री में एक और ऐसा ही होनी चैप्टर सिकंदर बगदादी। तुझे दिखता नहीं यार मैं सो रहा हूँ? कौन से जमाने के औलाद हो बे, दिन में सो रहे हो? चार घंटे में तू 400 मरतबा थूक चुका है। तू? हाँ ले तू। ओए हाथ मत लगा ना। हाथ मत लगाना नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। जान से मार। हाँ जान से मार दूंगा तुझे। मारे जान से। ये कंडक्टर समझाओ ना यार इसे। ए भाई इधर झगड़ा नहीं, झगड़ा करना है तो नीचे उतरो, समझे? जान से मारेगा, मार दो जान से। भैया आप बैठ जाओ, मैं समझा रहा हूँ। समझा यार इसे, दिमाग खराब कर रहा है। जान से मारेगा, जान से मारेगा। चलो भाई जिस जिसको खाना खाना आ जाओ जल्दी।
आया यहाँ पर? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? खुशामदीद सिकंदर बगदादी, खुशामदीद। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई देखे तो देखे। तकलीफ तो उसे होगी जो सिकंदर बगदादी के रास्ते में आएगा। बोलो क्या काम है? बदला, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई मूसा और मेरे सबसे खास दोस्त शमशेर की मौत का बदला मिल जाएंगे। लाशें खून से लथपथ ही मिलेंगी। ये है वो दोनों। मुझे पता है तेरी बंदूक ने कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा है। प्रॉब्लम है, एक समस्या है। अगर ये दोनों में से हम पहले किसी को मार दिए तो दूसरे को भागने का, छुपने का, हमसे बदला लेने का मौका मिल जाएगा। इसलिए हमको मारना तो दोनों को इकट्ठे ही पड़ेगा। पैसा ज्यादा लगेगा भैया। तू उतना बड़ा मुंह नहीं खोल पाएगा सिकंदर, जितनी बड़ी रकम मैं तुझे दूंगा। लेकिन शर्त यही है कि काम हो जाना चाहिए। अरे सिकंदर बगदादी तो जब छोटा मोटा सुपारी लेता पैसे का तो वो काम भी ईमानदारी से करता। यहाँ तो हमको मनचाहा पैसा मिल रहा है। तो मिलेंगे आपको दोनों किलाते, आपके खटमों में मिलेंगे। ठीक है, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो शफी तुम्हें दे देगा। और कुछ? यहाँ बम्बई में सुना है कि डांस बार बहुत प्रचलित है, तो एक बार देखने का मन था। और हाँ, आजमगढ़ी पान यहाँ कहाँ मिलता? शफी भाई को आजमगढ़ी पान ला कर दो। सुंदर बिठुआ गजियापुर के। मनीष जी। सर अपना ख्याल रखना, और जो भी हो दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना। अरे सर कौन सा किसी क्रिमिनल को पकड़ने या मारने जा रहा हूं, एक बोरिंग सी इंक्वायरी में तो बैठना है। जैसे इंक्वायरी खत्म होगी लग जाऊंगा आपके साथ वापस काम। ओके। फिर भी ख्याल रखना अपना। ओके जी सर। गुड लक। ओके सर।
इसके घर से निकल रहे हैं लोग। ये सीनियर इंस्पेक्टर नितिन की होने वाली बीवी का घर है। तो ब्याह कर रहा है ये? अगले ही महीने। वाह, और कुछ हो ना हो भाई, उसको शादी में पान खाने का मजा जरूर आएगा। लेकिन उसने अब तक हमें अपनी शादी में इनवाइट तो किया नहीं। अरे असली मजा तो इसी में ही है कि मरने वाले को ये पता ही नहीं है कि उसके शादी वाले दिन उसकी मौत होगी। और वो जो दूसरा है ना, हाँ, वो मनीष है। हाँ, डन ले, उसका काउंट डाउन हो गया शुरू। मनीष, हमने खबर पढ़ी है कि तुम इंक्वायरी डिपार्टमेंट में आ गए हो। एक बार तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलना चाहिए। क्या कहना चाहता? हमने जानबूझकर शमशेर भोपाली को भगाया जरूर है, लेकिन ये सब हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि पाशा के आदमियों ने हमारे घर वालों को गन पॉइंट पे पकड़ के रखा था। हम क्या करते, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। तुम्हारी भी फैमिली है, तुम इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। देखो, चाहे जो भी हो, मुझे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। I have no choice. ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। हम तुम्हें पाशा के सबसे खास आदमी तक पहुंचा सकते हैं, जिसने हमारे घर वालों को कैद करके रखा था। लंगड़ा लियाकत नाम है उसका। अगर तुमने उसे अरेस्ट कर लिया तो समझो पाशा तुम्हारी मुट्ठी में है। लंगड़ा लियाकत को तो हम काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं। उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो दुबई भाग गया। नहीं मनीष, वो बंबई में ही है, और हम तुम्हें एक ऐसे आदमी तक पहुंचा सकते हैं जो तुम्हें लंगड़ा लियाकत तक ले जाएगा। लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक गारंटी देनी होगी। हमारे ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है उसे तुम हटवा दोगे। ठीक है। हम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो ड्रग पेडलर है। सुबह के टाइम के अलावा वो कभी भी होश में नहीं रहता। उसके नशे का टाइम शुरू हो उससे पहले ही तुम मिल लेना। और हाँ, अकेले ही जाना। ज्यादा लोगों के साथ जाओगे तो वहाँ कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं। कहाँ मिलेगा आदमी? पार्ला मिल में। सिकंदर बगदादी को जानते हो? जैसे तुम सिकंदर बगदादी को नहीं जानते, मैं भी लंगड़ा लियाकत को नहीं जानता।
चमकाओगे? आओ पठान, आजमगढ़ी, शाबाश, क्या काम किया है तूने। बंबई आकर तूने पहली गोली दुश्मन के सीने पे चलाई है। तू असली पठान है, एक को तो तूने लाश बना दिया है, दूसरे को कब बनाएगा भाई? ये सिकंदर बोलता है कि उसकी शादी में घुसकर उसको मारेंगे। ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उधर तू गोली चलाएगा और दूसरे दिन पूरे देश की पुलिस मेरे सर पे बंदूक रख देगी। कोई और प्लान बता। प्लान है हमारे दिमाग, उसका लाश चाहिए, आपको लाश मिलेगा, मार के काट के किसी भी तरह आपके पास पहुंचा देंगे। डॉक्टर साहब है का? आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं उनको बताती हूँ। शीला, आज के लिए ना सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। मैम, सिर्फ एक ही आदमी है जो आपका वेट कर रहा है। जी मैडम, तबीयत खराब है, जरा खांसी है, बुखार। देखिए, अभी तो मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, एक इमरजेंसी है। आप एक काम कीजिए, बाजू में ही डॉक्टर साहू का हॉस्पिटल है, आप वहाँ चले जाइए। नहीं, हमको अच्छा डॉक्टर को ही दिखाना है, ये आहू साहू को तो हम दिखाएंगे नहीं। कोई नहीं, आज आप बिजी हैं तो हम कल आते हैं। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। शीला, ये उन्हीं का बैग है ना जो अभी अभी यहाँ पर आए थे? यस मैम। कोई फोन नंबर या कुछ है उनका? नो मैम, मैं इसे रख लेती हूँ, अगर वो लौट कर आएंगे तो मैं इसे वापस कर दूंगी। ठीक है। चाहते साथ चुका है। यस सर। अगर पीटी तैयार है तो प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। ओके सर। प्रीति, मैं जानता हूं ये सही वक्त नहीं है, पर इस इन्वेस्टिगेशन में हम और देर नहीं कर सकते। मनीष का पता चला? नहीं, पर मनीष को ढूंढने के लिए हमें उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा जो यहां आया था, और वो तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो सकता। ऐसा कोई क्यों करेगा सर? पहले मनीष का कत्ल करता है और फिर उसका यूनिफॉर्म प्रीति के हॉस्पिटल में जाके छोड़ता है। क्या कनेक्शन हो सकता है इनका? शायद वो तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। क्या सर? हो सकता है तुम उसका अगला टारगेट हो। आई विश एक बार सामने आ जाए बस। सर, एक बात अजीब जरूर है सर, मुझे मनीष के डेड बॉडी के पास पान मिला सर, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मनीष पान नहीं खा। पान उसके टॉप पॉकेट में मिला सर, गोली भी उसने छाती पर खाई। 303 बुलेट के ब्लास्ट के बाद भी उस पान को कुछ नहीं हुआ सर, वो पान वैसे का वैसा ही था। हां, सो यू मीन पान उसकी जेब में बाद में रखा गया? यस सर। पान खाओगे?
जय हिंद सर। सर ये आपके लिए। क्या ये? कोई आदमी इसे लेकर आया था और वो ये कह रहा था इसे आपकी माँ ने भिजवाया है। ठीक है तुम जाओ। क्या है इसमें? इट्स पान सर। व्हाट? वो ये उसी आदमी ने दिया है सर। वो हमारे साथ खेल रहा है सर। अगर मुझे कहीं दिख गया ना मैं उसके छीने में सारी गोलियां डाल दूंगा सर। शांत शांत हो जाओ नितिन। उसने तुम्हारी वर्दी पे नहीं तुम पे वार किया है। He's challenging us, sir. I know that. पर वो चाहता है कि तुम अपने दिल से लड़ो, अपने दिमाग से नहीं. And that's exactly what we don't want. You understand? Yes, sir. सर वो दो suspended officers जो मनीष के साथ उस रात को थे वो दोनों गायब है सर। और ये आदमी मेरे घर तक पहुंच गया। उसने मेरी मंगेतर से बात की, वो मेरी माँ का पता जानता है। I have to break him, sir. मैं उसके स्केचेस हर डिपार्टमेंट में भेजता हूँ, बम्बई के अंदर और बम्बई के बाहर। We have to nab him, sir. We have to nab him. Yeah. Go ahead. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.